हेलो एवरीवन, सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट प्रेसोविल 5. इट्स कॉम्पोजिशन इज प्रासोग्रिल हाइड्रोक्लोराइड 5 mg टैबलेट एंड इट्स पैकिंग इज 10x10 आलू एंड इट्स MRP इज 150 पर स्ट्रिप. नाउ इट्स क्लास ऑफ ड्रग. प्रासोग्रिल हाइड्रोक्लोराइड बिलोंग टू अ क्लास ऑफ मेडिकेशन कॉल्ड एंटी प्लेटलेट. सो ये एंटी प्लेटलेट क्लास से बिलोंग करता है. एंटी प्लेटलेट ड्रग्स वो होती है जो एक तरह से प्लेटलेट एग्रीगेशन से प्रिवेंट करती है, मतलब हार्मफुल ब्लड क्लॉट से प्रिवेंट करती है. नाउ इट्स इंडिकेशन. प्रासोग्रिल हाइड्रोक्लोराइड यूज्ड टू प्रिवेंट हार्ट एंड ब्लड वेसल्स रिलेटेड प्रॉब्लम. हार्ट एंड ब्लड वेसल से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसमें यूज़ होता है आपका प्रासोग्रिल हाइड्रोक्लोराइड. फर्स्ट इंडिकेशन है हार्ट अटैक के केस में. हार्ट अटैक को हम एक तरह से मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी बोल सकते हैं, जिसमें प्रॉपरली आपकी हार्ट मसल्स को ब्लड की सप्लाई नहीं मिल पाती है क्योंकि आपकी जो आर्टरीज है वहाँ पर ब्लॉकेज हो जाती है. तो आपका जो हार्ट अटैक है आपका एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से हो सकता है, क्योंकि एथेरोस्क्लेरोसिस कंडीशन में क्या होता है कि आपकी जो हार्ट में आर्टरीज है वहाँ पे ब्लॉकेज हो जाती है ड्यू टू प्लेक फॉर्मेशन. तो एक तरह से ब्लड की सप्लाई कम होने की वजह से मायोकार्डियल इन्फेक्शन कॉज होता है, तो उस केस में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं. सेकंड इंडिकेशन है सीवियर चेस्ट पेन. सीवियर चेस्ट पेन को हम सीवियर एंजाइना पेक्टोरिस भी बोल सकते हैं. इसमें क्या रहता है कि प्रॉपरली पुअर ब्लड फ्लो रहता है हार्ट के लिए, क्योंकि आपके जो आर्टरीज है वहाँ पे प्लेक फॉर्मेशन हो जाती है, जिसकी वजह से प्रॉपरली ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है, मिल पाता है हार्ट को. हार्ट जो मसल्स है वो डाई हो जाती है, डेड हो जाती है, जिसकी वजह से चेस्ट पेन जैसी प्रॉब्लम रहती है, तो उस केस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं. थर्ड इंडिकेशन है एंजियोप्लास्टी. एंजियोप्लास्टी एक तरह से ओपनिंग प्रोसीजर है या फिर एक ओपन प्रोसीजर है जिसमें जो ब्लॉक्ड ब्लड वेसल्स है उसको ओपन करते हैं. तो ड्यूरिंग एंजियोप्लास्टी कई बार ब्लड क्लॉट फॉर्म होने के चांसेस रहते हैं, तो उस केस में भी हम एंटी प्लेटलेट मेडिकेशन दे सकते हैं प्रासोग्रिल हाइड्रोक्लोराइड, जो क्या करेगा प्लेटलेट एग्रीगेशन से प्रिवेंट कर सकता है. नाउ इट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. प्रासोग्रिल हाइड्रोक्लोराइड हमारी बॉडी में किस मैकेनिज्म से एक्ट करता है. आफ्टर ओलर एडमिनिस्ट्रेशन प्रासोग्रिल हाइड्रोक्लोराइड फर्स्टली कन्वर्टेड इंटू दी एक्टिव मेटाबोलाइट विद दी हेल्प ऑफ हिपैटिक CYP सिस्टम. हिपैटिक CYP सिस्टम मीन्स आपका साइटोक्रोम P450 एंजाइम जो आपका लीवर सेल में प्रेजेंट रहता है. आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ये एक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट होता है विद दी हेल्प ऑफ साइटोक्रोम P450 एंजाइम. जब आपका एक्टिव मेटाबोलाइट फॉर्म हो जाता है तो वो एक्टिव मेटाबोलाइट P2Y12 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है. P2Y12 रिसेप्टर आपके प्लेटलेट सरफेस के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं जो कि प्लेटलेट एग्रीगेशन में हेल्प करते हैं. जब P2Y12 रिसेप्टर ब्लॉक हो जाते हैं तो GP2B एंड 3A रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स की एक्टिवेशन नहीं हो पाती है, क्योंकि जब ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है तभी आगे प्लेटलेट एग्रीगेशन प्रोसेस कंप्लीट होती है. अगर ये कॉम्प्लेक्स आपका इनहिबिट हो जाएगा तो प्लेटलेट एग्रीगेशन प्रोसेस स्टॉप हो जाती है. तो जब आपका P2Y12 रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएगा तो उसके बाद GP2B एंड 3A जो रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन रहा था उसको इनहिबिट कर देगा ये, जिस वजह से प्लेटलेट एग्रीगेशन स्टॉप हो जाएगी और हार्मफुल जो ब्लड क्लॉट फॉर्म होता था वो एक तरह से प्रिवेंट हो जाएगा. नेक्स्ट इट्स डोजेस. इफ़ पेशेंट वेट लेस देन 60 kg देन टेक 5 mg टैबलेट वंस इन अ डे. नाउ इट्स ऑनसेट ऑफ एक्शन. इट्स ऑनसेट ऑफ एक्शन विद इन 30 मिनट्स में अपना एक्शन बॉडी में प्रोड्यूस कर देता है. थैंक यू.